स्थापित किया। वे एशिया के ऐसे पहले खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने अपने क्रिकेट जीवन का पहला टेस्ट मैच खेलते हुए एक पारी में 8 विकेट लिए। एक अन्य खिलाड़ी डब्ल्यू वी रामन ने भी पहला टेस्ट मैच खेलते हुए अच्छी बल्लेबाजी का परिचय दिया। रामन ने भारत की दूसरी पारी में अब तक 82 रन बना लिए हैं और खेल रहे हैं। आज जब तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तो भारत को कुल मिलाकर 379 रन की बढ़त मिल चुकी थी। आज सवेरे वेस्टइंडीज ने अपनी मंगलवार की रन संख्या 5 विकेट पर 147 रन से आगे खेलना शुरू किया और उसके बाकी खिलाड़ी केवल 37 रन और जोड़ सके। आज आउट होने वाले सभी खिलाड़ियों के विकेट नरेंद्र हिरवानी ने लिए। रिचर्ड्स 68 और ड्यू रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज की पहली पारी 184 रन पर सिमट गई और इस तरह भारत को पहली पारी के आधार पर 198 रन की बढ़त मिल गई। भारत की दूसरी पारी में पहले 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। अरुण लाल और महेंद्र मनात कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सके। श्रीकांत भी केवल 17 रन बनाकर आउट हो गए। अगले दिन ने अच्छे 39 रन बनाए और उन्हें रिचर्ड्स की गेंद पर